हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रिंसी कटियार पर। तो लीजिए, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, जब ये चटनी आप ट्राई करेंगे तो दो की जगह चार रोटी क्या आप सब्जी खाना भूल जाएंगे, ये समझ लीजिए। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और मेरे घर में तो ये लगभग बनती ही रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चटनी को मैं सरसों के ऑयल में बनाना प्रेफर करूँगी और आपसे भी यही कहूँगी कि आप इसको सरसों के ऑयल में ही बनाएं, तभी ये अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने तवे पर ऑयल ले लिया था। ऑयल जब अच्छा गर्म हो जाए उसके बाद ही आपको टमाटर रखने हैं। और इस तरह से आपको टमाटर को पहले ऑयल में डिप करना है, उसके बाद में साइड से लगा देना है। मेरे पास यहाँ ये 5 पीस ही टमाटर थे, तो ये इसी में आ गए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लहसुन को मैंने डाल दिया है और 1 चम्मच जीरा और ये नमक, और मिर्च को मैंने इस तरह से स्लिट करके डाला है। आप चाहें तो इसमें पियर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही साबुत मिर्च ना डालें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही मिर्च डालेंगे उसमें पियर्सिंग भी नहीं करते हैं तो ये जब पकेगी तो ये उछलेगी, उससे आप जल भी सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये देखिए, बीच बीच में आपको चलाते रहना है ताकि कोई भी चीज़ ऐसा ना हो एक्स्ट्रा जल जाए और कोई चीज़ ऐसी रह जाए जो ना पके। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखें। और ये देखिए, एक साइड से टमाटर पक गया है तो अब इसको पलट देंगे। ये देखिए, सारे टमाटर पलट दिए हैं। जब तक टमाटर दूसरी साइड से पकेंगे तब तक लहसुन मिर्च और जीरा भी पक जाएगा। तो ये देखिए, सभी सामग्री अच्छे से पक चुकी है। अब गैस की फ्लेम को आपको सिम पर कर देना है। और ये आप दूसरी तरफ से भी पलट कर ये श्योर कर लें कि हाँ पका है या नहीं। तो ये देखिए, पक चुका है, लहसुन भी पक चुका है, मिर्च भी पक चुकी है। तो अब इसको इस तरह से पलट लेंगे। आप चाहें तो इसकी टमाटर की लेयर निकाल सकते हैं, ऊपर वाली जो इसका छिलका होता है, नहीं तो आप ऐसे ही रखिए। मैंने तो नहीं रिमूव की थी क्योंकि अब ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। और लास्ट में हरा धनिया डाल दिया है बारीक कटा हुआ। उसके बाद में आपको इस तरह से मैश करना है और गैस की फ्लेम अभी आपको ऑफ नहीं करनी है। तो एक तरफ से आप इस तरह से मैश करते रहेंगे, दूसरी तरफ से ये पकता रहेगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जलजीरा मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ जीरा पाउडर यूज किया है। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और लास्ट में ये नींबू का रस। अगर आप खट्टा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप नींबू को स्किप कर सकते हैं, या फिर नींबू की जगह पर आप आमचूर पाउडर को भी यूज कर सकते हैं। तो ये लीजिए, चटनी बनकर तैयार है। आप इसको रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सभी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप चटनी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार, राधे राधे।